पर मंथ 7,000 है कतरी रियल, ओके और वही है बस 7,000 कतरी रियल, उसके बाद लाइट एसी सब खर्चा आपका? नहीं नहीं बिजली का अलग होता है। ये जो काम करते हैं लोग, तो इनकी मैक्सिमम सैलरी कितनी तक होती है? सैलरी 2,000 तक आ जाता है। अभी लोग जो पसंद करते हैं वो ज़्यादातर कौन सा ड्रेस पसंद करते हैं वो दिखाइए। अभी क्रिस्टल वाला करते हैं। अच्छा ये क्रिस्टल वाला, तो ये देखिए भाई इधर ये जो ड्रेस लगे हुए हैं ये क्रिस्टल वाले, ये पूरे अरबी लोग पसंद करते हैं। और ये हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना समर खान। तो दोस्तों आज मैं एक अरबी की मार्केट में आया हूँ जहाँ पे लेडी ड्रेस मिलते हैं, तो चल के आप लोग को एक दुकान के अंदर ले जाऊँगा और वहाँ चल के बात भी करूँगा और दिखाऊँगा इनके ड्रेस कैसे होते हैं और इसके प्राइस क्या होते हैं। तो चलिए मैं जाता हूँ इस दुकान में। इस दुकान में जाएंगे अलवान अल ज़िया लेडीज टेलर। ये भाई है मेरे, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तो भाई मैं YouTube पे वीडियो बनाता हूँ। ओके तो ऐसी दुकान दिखा रहा हूँ, तो क्या आपका दुकान पे और आपसे बात कर सकता हूँ दो चार मिनट? मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं। और आपका दुकान का वीडियो बना सकता हूँ? ओके बनाइए। मुश्किल तो भाई ये आप कहाँ से हैं भाई? हम बांग्लादेश से। बांग्लादेश, अच्छा क्या नाम भाई आपका? हमारा नाम नजमुल हुसैन। नजमुल हुसैन जी, अच्छा तो एक बार अपनी दुकान का नाम आप भी बता दीजिए। हमारा दुकान का नाम है अलवान अल ज़िया लेडीज टेलर। लेडीज टेलर, वो अरबी लोग का होता है, कतरी और कभी कभी हिंदी बंगाली और अब लोग पाकिस्तान का भी बनाता है। अच्छा तो अच्छा अच्छा ड्रेस है हमारा इधर। तो भाई आइए आप थोड़ा दिखाइए कि मतलब ये सब जो है तो क्या मतलब इसका सबसे सस्ता वाला कौन सी रेंज का आपके पास है ड्रेस? सस्ता वाला का सबसे कम थी रेंज का ये ऐसा वाला मॉडल है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा 250 से लेके सबसे कम तो रेट वाला 250 है और इससे ज्यादा 1,000 तक है, 1,500 से 2,000। ये कितना है? ये 250 रियाल। तो ये 250 रियाल का भाई ये ड्रेस है। और भाई अरबी लोग जो पसंद करते हैं वो ज्यादातर कौन सा ड्रेस पसंद करते हैं वो दिखाइए। अभी क्रिस्टल वाला करते हैं। अच्छा ये क्रिस्टल वाला, तो ये देखिए भाई इधर ये जो ड्रेस लगे हुए हैं ये क्रिस्टल वाले, ये पूरे अरबी लोग पसंद करते हैं और ये अरबी का ड्रेस है। तो भाई ये जो जैसे कि अभी हमको ये ड्रेस लेना है तो इसका प्राइस क्या मिलेगा? उसका प्राइस आएगा आपको 700 आएगा। 700 जी, ये अरबी का रेट है? अरबी का रेट। और अगर हम लोग को इंडियन बंगाली आ जाता है अपना भाई, अब बंगाली इंडियन और पाकिस्तानी आएगा तो लाजिम डिस्काउंट है। तो भाई इंडियन पाकिस्तानी जो भी यहाँ पे जो मेरी वीडियो देखते हैं अगर उनको अपने घर के लिए ड्रेस लेना है तो ये दुकान यहाँ पे आ सकते हैं। ये मैजर में है और ये आपको कोई भी ड्रेस पसंद करोगे नॉर्मल रेट से डिस्काउंट में देंगे। जी जी, वो मैजर शरा तिजारी सऊदी छोटा सऊदी के सामने में है। अच्छा तो भाई और ये ड्रेस कितने का है? ये आपका आएगा हम लोग मतलब इंडियन पाकिस्तानी के लिए आएगा 500 आएगा। अच्छा तो ये इतना महंगा क्यों होता है भाई? ये ओरिजिनल क्रिस्टल है ना, उसमें ओरिजिनल अच्छा। क्रिस्टल है। अच्छा हर चीज़ ओरिजिनल है इसीलिए फैब्रिक अच्छा। भी अच्छा फैब्रिक है जी, इसीलिए थोड़ा कीमती है, प्लास्टिक नहीं है, ओरिजिनल क्रिस्टल है। अच्छा हाँ, क्योंकि सूख वगब में और उधर जो मिलता है बहुत ही सस्ता मिलता है। उधर भी है लेकिन वो जो रेडीमेड वाला हम लोग का ऑर्डर का शॉप है ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा रेडीमेड नहीं है हमारा इधर। अच्छा ये ऑर्डरिंग शॉप है। अच्छा ऑर्डर का चीज हमेशा अच्छा होता है। अच्छा ये भाई ऑर्डर में बनाते और इनकी क्वालिटी बता रहे हैं, जो क्रिस्टल लगा ये ओरिजिनल लगा है, बाकी जो डुप्लीकेट होते वो सस्ते मिलते हैं, यही बात है। तो भाई आप ये दिखाइए यहाँ पे जो सबसे महंगा ड्रेस कौन सा है आपके पास? सबसे महंगा ड्रेस ऐसा वाला है, इस हाथ का काम ना, वो हम लोग शक का काम करता है और इंडिया में उसको जरी का काम करता है। अच्छा जरी, हाँ। तो भाई ये देखिए ये सबसे महंगा ड्रेस भाई बता रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। ये देखिए ये सब आपको 1,000 रियाल आएगा। तो इसको भाई ये ज़्यादा कम होता है इसमें। अच्छा तो भाई इस ड्रेस को क्या बोलते हैं? ये हम लोग कहते हैं जलेबी कहते हैं। जलेबी ही बोलते हैं। जलेबी बोलते हैं। अच्छा तो देखिए भाई हम आपको डिजाइन दिखाते हैं यहाँ पे भाई के लगे हुए हैं। ये देखिए सारे डिजाइन लगे हुए भाई, ये सब ऑर्डर के ना? ये सब ऑर्डर के, हम लोग बस सैंपल लगा हुआ है। अच्छा बस कस्टमर आते हैं ऑर्डर देते हैं हम लोग। तो भाई ये देखिए ये जो लगे हुए ये सब सैंपल हैं और जब ऑर्डर आप देंगे तो आपको ये तैयार करके दे देंगे। और इधर भी ये देखिए पूरा मैं दिखा देता हूँ आपको, इधर भी ये लगा हुआ है, ये सब ऑर्डर के हैं, जब कस्टमर आएगा तो कस्टमर को ये बना के दे देंगे। और ये देखिए सामने भी लगे हुए हैं और इधर ये काम होता है ना, उधर कारखाना, तो उधर दिखा सकते हैं थोड़ा, देखा ही मुश्किल में। तो ये देखो भाई एक भाई मेरे काम कर रहे हैं यहाँ पे, आप काम करते रहिए। तो ये महीन काम होता है भाई, इसी के पैसे पड़ते हैं। देखिए कितनी बारीकी से ये काम कर रहे हैं, ये देखिए आप एक एक मोती को बिल्कुल लाइन से लगा रहे हैं। एक भाई उधर ही बैठे हुए हैं, ये देखिए तो वो भी ऐसे ही देखिए लगा रहे हैं। तो ये हाथ का पूरा काम है इसीलिए महंगा। अच्छा तो भाई इधर ये क्या प्रेस से इसको चिपकाया जाता है? अच्छा प्रेस से चिपका रहे हैं। तो देखिए भाई ये जो हमने आपको दिखा भी दिया ये क्यों महंगा होता है और किस लिए महंगा है,
तो ये इसीलिए महंगा है क्योंकि आपका पूरा काम हाथ का है और ओरिजिनल, मतलब जो इसमें जो हर चीज ओरिजिनल है, फैब्रिक कपड़ा भी अच्छा, हर चीज है, हर चीज ओरिजिनल है। अच्छा तो भाई ये बताइए, ये जो आप दो मिनट ये बात करेंगे, इधर आइए, तो आपको कितना टाइम हो गया ये दुकान का? हमारा ये दुकान अभी हुआ, ये ब्रांच खुला है, ये हमारा 5 मंथ हुआ जी, 5 महीना हुआ, और मेरा मेन ब्रांच उधर है, दोहा में है। अच्छा, दोहा में भी आपकी दुकान है? जी जी, उधर ही है हम लोग का, इधर पूरा आदमी दोहा वाला आदमी इधर आया, इधर नया मार्केट खुला है। अच्छा, यहाँ पे भाई अरबी कस्टमर ज़्यादा आते होंगे? ज़्यादा अरबी कस्टमर आते हैं। अच्छा, जिस कतरी लोग ज़्यादा आते हैं, अरबी सऊदियन कतरी। अच्छा अच्छा, सब आते हैं। तो भाई ये बताइए, ये दुकान तो माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी है, तो ये नई मार्केट के लिए इधर कितना रेंट होता है दुकान का? हमारा पर मंथ 7000 है कतरी रियल। ओके, और वही है बस 7000 कतरी रियल, उसके बाद लाइट एसी सब खर्चा आपने? नहीं नहीं, बिजली का अलग होता है, बिजली का अलग होता है, अलग है। तो अभी रेट सही है देखा जाए? अभी सही है, मेजर के लिए सही है। अच्छा, तो निकल आता है आपका मतलब? इंशाल्लाह अभी तो निकल आ रहा है बस, अभी तो फर्स्ट फर्स्ट लॉस किया, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, अभी चल रहा है। कितने आदमी का स्टाफ भाई आपका? हमारा स्टाफ अभी है 5 आदमी है। अच्छा। और भी इंशाल्लाह आ रहा है, नया दुकान है ना, आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो भाई जो ये जो काम करते हैं लोग, तो इनकी मैक्सिमम सैलरी कितनी तक होती है? सैलरी 2000 तक आ जाता है पूरा, ये जो काम स्टाफ का है, हर आदमी का 2000 से ऊपर आएगा। तो इनका रूम आप ही नहीं दे के रखा है? वही हमारा ही, खाना पीना ये लोग अपना? वो अपना है। अच्छा, तो भाइयों आपने देखा, भाई ने पूरी बात खुल के बताई, कभी कोई ऐसे खुल के बात नहीं करता है। और भाई बांग्लादेश के भाई लोग जो हमसे कह रहे हैं बांग्लादेश की वीडियो बनाई है, तो आज बांग्लादेश के भाई हैं, और जलेबिया की दुकान भी इनकी मैजर में है, तो जिनको भी बांग्लादेश के भाई मेरी वीडियो देखते हैं वो इनसे आगे बात कर सकते हैं, और इन्हें डिस्काउंट भी इन्होंने कहा है जो आपस के होते हैं नॉर्मल रेट से। चलो बंगाली इंडियन पाकिस्तानी उन लोग का लिए कम से रेट मिलेगा इंशाल्लाह। तो भाई आपने ये दुकान देखी और पूरी मैंने आपको दिखाया, और यहाँ पे देखिए ऊपर भी इनकी लाइटिंग में, क्योंकि मेंटेनेंस का ज़्यादा खर्चा रहता है यहाँ पे। तो अभी काम कैसा चल रहा है, क्योंकि फीफा आने वाला है? तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया है काम। अच्छा। थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा ही है, अभी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई आप ये बताइए, जो यहाँ पे लोग काम करते हैं और यहाँ पे जो आपके बांग्लादेश के इंडियन है, कोई आप मैसेज देना चाहते हैं, मतलब कोई मैसेज देना चाहते हो तो आप बताइए कि कैसे यहाँ पे रहें या कैसे क्या करें। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कतर अच्छा है, कतर का गवर्नमेंट भी अच्छा है, हम लोग का बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान लोग का अच्छा अच्छा सिस्टम में रखा है, लेबर के लिए जो अच्छा फैसिलिटी मिलता है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है जी। वो लोग हुकूमत को, शेख तमीम को थैंक यू जाना चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उसका, क्योंकि हम लोग का ऊपर जो है ना कोई ऐसा तकलीफ नहीं आया जो दूसरा मुल्क में होता है, ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कतर अच्छा है, कोई दबाव भी नहीं रहता यहाँ पे, गवर्नमेंट बहुत रूल से चलती है, बस यहाँ पे यही है कि आप लोग भी जितने इंडियन बंगाली पाकिस्तानी नेपाली भाई हैं, यहाँ के रूल को फॉलो करो। और फीफा आ रहा है, अब मैं ये हर वीडियो में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि फीफा आ रहा है, तो ये हम लोग का ये दूसरा घर है, तो हम लोग को भी इस कैंटी की रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, और अच्छे से फीफा होगा इंशाल्लाह। और चलिए फिर मिलते हैं आप लोग को आगे। तो भाई आप एक बार अपने बंधु भाई लोग से कुछ बोल दीजिए, अपनी तरफ से जो भी बोलना है आदमी अपनी लैंग्वेज में। मतलब मैं बांग्लादेश सीखे बोलबो, जरा और जो चैनल आछे सबाई सबसक्राइब करबें, और विशेष करे ये वीडियोटा फ्लो करबें, যাতে আমরা কাতার সম্বন্ধে জানতে পারি, কাতার আলহামদুলিল্লাহ বিজনেস ভি ভালো, সবাই দেখবেন, ধন্যবাদ সবাইকে। তো দোস্তো মানে আপ লোক কি ভাই সে বাত করাই, আর আপ লোক কো ভিডিও কেসা লাগা কমেন্ট মে জরুর বতাইয়ে, আর ভিডিও अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, और जितने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तो आप लोग जरूर यहां पे आइए, यहां पे आप आएंगे तो आपको अरबी का रेट नहीं लगेगा, 200 रियाल, 250 रियाल या 100 रियाल जो इनसे हो जाएगा वो आपको डिस्काउंट करके देंगे, ठीक है। और हमारा दुकान में ये, हमारा दुकान का नाम है अलवान अल जहिया, माइजर शरा तिजारी, सऊदी मार्केट का। मोबाइल नंबर भी दे दीजिए, मोबाइल नंबर 7040806030।